आप देख रहे हैं KSN 24, पल पल की खबर। नमस्कार, मैं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं KSN 24। KSN 24 की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। रायगढ़ के ब्रह्मकेला ब्लॉक से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत खैरगड़ी है, जहां पिछले 2 सालों से स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने घटिया शौचालय निर्माण को लेकर जनपद कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय में बार बार शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं होने से जांच तो की जाती है, खामियां भी पाई जाती है, पर कार्रवाई नहीं होती। उक्त संबंध को लेकर गांव के नव युवा संकल्प संगठन खैरगड़ी के युवाओं में आक्रोश होकर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होने की बात को लेकर आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने पर उतर आए हैं। इससे मुख्य रूप से सौदागर साहू ने संकल्प लिया है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। भूख हड़ताल की बात को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़, कलेक्टर पुलिस अधीक्षक रायगढ़, तहसीलदार ब्रह्मकेला, SDM सारंगढ़ एवं सरिया थाना सभी को सूचित कर दिया गया है। इनकी मांग है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगा। अब देखना होगा जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आपके द्वारा भूख हड़ताल किया जा रहा है, किस संबंध में भूख हड़ताल किया जा रहा है? शौचालय धांधली हुआ है हमारे यहाँ। हमारे गाँव के जो मुखिया सरपंच हैं वो शौचालय निर्माण मतलब कि उसमें धांधली किए हैं। SBM लिस्ट के अनुसार 185 में से 102 शौचालय नहीं बना है, उसके बावजूद भी गांव को ODF घोषित कर दिया गया है। तो मैं मानता हूं कि इसमें ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक जो कोई भी क्यों न हो, मतलब जनप्रतिनिधि चाहे अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, उनको बर्खास्तगी किया जाए एवं उनसे रकम वसूली की जाए। ये भूख हड़ताल आप जो कर रहे हैं कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक हमारे प्राण में सांस रहेगा न्याय दिला के रहेंगे। क्या नाम लिखते हैं आपका नाम? मेरा नाम सौदागर साहू है, मैं खैरगड़ी ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 3 का पंच हूँ, साथ ही साथ नवयुवा संकल्प संगठन का सदस्य हूँ। खैरगड़ी नवयुवा संकल्प संगठन के द्वारा शिकायतें की गई है, क्या क्या कहेंगे संबंध में? आप सभी को बताना चाहूँगा कि यह मामला जो ODF घोटाले का मामला है, यह सन 2017 का ODF घोटाला का जब युवा संकल्प संगठन ने पहला ज्ञापन दिया था, जिसमें ODF की घोटाले की जांच के लिए हम लोगों ने मांग किया था, और उसके बाद जो है लगातार 2 सालों से जांच कमेटी बैठी और जांच कमेटी में वहाँ के जो सचिव और सरपंच है, जिसमें सचिव को निलंबित किया गया था खैरगड़ी में, उसके बाद में फिर हम लोगों ने अभी 2019 में एक आवेदन दिया था जिसमें जांच पूरी नहीं हुई थी, उसमें जांच के उपरांत फिर से जो एक जांच कमेटी का गठन किया गया और जांच कमेटी जा करके खैरगड़ी में वहां जा करके जांच करती है, जिसमें वहां के जांच करने में 143 जो ODF के जो शौचालय बने थे उसमें पैसा पास हो गया है, जिसमें वहां जा करके निरीक्षण किया गया, जिसमें 82 वहां शौचालय बना हुआ पाया गया। उसके बाद में जो 102 जो शौचालय हैं वह कहीं बना हुआ नहीं है, जिसमें जांच की हमारे पास टीम ने पूरा लिखित में आवेदन में हमको दिया गया है, और वहाँ जो है वहाँ के जो सरपंच हैं और वहाँ के जो सचिव हैं उन लोगों को जांच कमेटी बैठ करके अभी वर्तमान में सरपंच के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सचिव निलंबित है, और अभी नया जो एक सचिव अभी वर्तमान में जो सचिव आए हुए हैं उनको इस बात की जानकारी भी नहीं है। अभी वर्तमान में हम लोगों ने एक ज्ञापन में यह अवगत कराया है कि अगर हमारे खैरगड़ी जो ODF घोटाले की जांच में अगर सरपंच के ऊपर में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो युवा संकल्प आज ही वर्तमान से भूख हड़ताल पे बैठ चुकी है, जो कि हमारे आपको बताना चाहूँगा सौदागर साहू जी हैं जो आज से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं खैरगड़ी ग्राम में। हमारा जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है तब तक लगातार यह संघर्ष जारी रहेगा। खैरगड़ी निवासियों ने जो है ज्ञापन दिया है कि उनके गांव में शौचालय का जो निर्माण हुआ है वो घटिया हुआ है और जांच हुई है, ऐसा उनका कहना है, बट जांच में
कार्रवाई लंबित है, जल्द कार्रवाई को लेकर खैरगढ़ी के युवाओं द्वारा भूख हड़ताल में बैठने को मजबूर है, इसमें क्या कहेंगे? 19 तारीख से ये बोल रहे हैं कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे, ऐसा ज्ञापन सुना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज।